हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे इंसर्टिंग ए ड्राइंग। टॉक्सपेंट प्रोग्राम में किस तरीके से हम ड्राइंग इंसर्ट करते हैं। टू इंसर्ट रेडीमेड ड्राइंग फॉलो दीज स्टेप्स। आपकी टॉक्सपेंट में पहले से ही ये ड्राइंग बने हुए होते हैं। ये देखिए किस तरीके से आपके ड्राइंग बने हुए हैं। इसको हम हमारे इंसर्ट करेंगे और इसमें कलर किस तरीके से करेंगे। इंसर्ट करने का तरीका देखिए। स्टेप वन, क्लिक ऑन न्यू टूल फ्रॉम द टूल बार। क्लिक ऑन डाउन बटन, यू सी मैनी रेडीमेड पिक्चर्स। आप टूल्स ऑप्शन में जाएंगे, यहाँ न्यू ऑप्शन है, इसमें क्लिक करेंगे। उसके बाद आपके सामने यहाँ रेडीमेड जो पहले से बनी हुई ड्राइंग है इसमें क्लिक करेंगे। आपको जो पिक्चर चाहिए, सिलेक्ट द पिक्चर ऑफ योर चॉइस, अपने पसंद से यहाँ चूज करेंगे। क्लिक ऑन ओपन बटन, द पिक्चर अपीयर्स ऑन द ड्राइंग कैनवास। अब जहाँ रखना चाहते हैं आपकी वो ड्राइंग एरिया में ये पिक्चर इंसर्ट हो जाएगा। Coloring a drawing. After you have inserted your drawing, you can fill colors in it, just as you fill colors using your crayons. अब जिस तरीके से crayons use करते हो, picture insert होने के बाद वहाँ आप color इसके अंदर fill करोगे। किस तरीके से fill करते हैं, step देखिए कौन से tool की help से। To fill colors in a drawing, फॉलो दीज स्टेप्स। क्लिक ऑन द मैजिक टूल फ्रॉम द टूल बार। आप टूल बार ऑप्शन में जाएंगे, मैजिक टूल में क्लिक करेंगे। उसके बाद सिलेक्ट फिल इफेक्ट फ्रॉम द सिलेक्टर। आप यहाँ चूज करेंगे सिलेक्टर से, जैसे कि आपकी बुक में दिखाई है। उसके बाद आप कलर चूज करेंगे। सिलेक्ट द कलर ऑफ योर चॉइस फ्रॉम द कलर बॉक्स। आपके कलर बॉक्स से आपको कलर चूज करना है। क्लिक इनसाइड द एरिया टू फिल द कलर इन इट। उसके बाद आप यहाँ क्लिक करेंगे और आपके सामने ड्राइंग के अंदर कलर फिल मिलेगा। इंसर्ट एंड कलर द ड्राइंग एज सून। हम किस तरीके से ड्राइंग को इंसर्ट करेंगे और उसमें कलर करेंगे, ये आपको दिखाया गया है पिक्चर गाइडलाइंस। क्लिक न्यू टूल, सर्च द इंसर्ट द गिवन ड्राइंग। आप न्यू टूल में जाएंगे, उसके बाद सर्च एंड इंसर्ट द गिवन ड्राइंग। आपको चूज करना है ड्राइंग को। उसके बाद आपकी ड्राइंग एरिया पे ये आ जाएगा, फिल कलर्स यूजिंग फिल मैजिक इफेक्ट। मैजिक टूल में आप कलर डाल सकते हैं मैजिक टूल की हेल्प से। यूजिंग द पेन टूल, पेन टूल क्या है और इसकी यूज हम किस तरीके से करते हैं इसके बारे में पढ़ेंगे। जस्ट लाइक द ब्रश टूल इन एमएस पेंट, पेन टूल इन टॉक्स पेंट इज यूज टू ड्रॉ फ्री हैंड ड्राइंग्स एंड इमेज यूजिंग वेरियस ब्रशेज। एमएस पेंट प्रोग्राम में हम ब्रश टूल जिस तरीके से हम यूज करते हैं, यहाँ पेन टूल की यूज उसी तरीके से होता है। तो हम ब्रश टूल कैसे यूज करते हैं, हम कहीं ड्रॉ करना है मोटे लाइन में पतले लाइन में तो हम यूज करते हैं। तो पेन टूल भी उसी तरीके से यहाँ काम करता है। इन टॉक्स पेन यूज टू ड्रॉ फ्री हैंड ड्राइंग्स, हम खुले हाथ से कहीं भी ड्राइंग बना सकते हैं और हम बहुत सारे ब्रश को यूज कर सकते हैं, पतला मोटा इस तरीके से ब्रश रहते हैं। कलर्स आर चूजन फ्रॉम कलर पैलेट, हम कलर पैलेट कलर बॉक्स से हम कलर चूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल इफ यू वांट टू ड्रॉ ए फ्लावर विथ ए टॉक्स पेन फॉलो गिवन स्टेप्स। आपको अगर एक फ्लावर बनाना है तो किस तरीके से बनाएंगे,
ये आपको स्टेप दिया गया है, देखिए। स्टेप वन, सिलेक्ट द पेन टूल इन टूल बॉक्स, ब्रिंग द माउस पॉइंटर टू द ड्राइंग एरिया। आप पहले टूल बॉक्स से पेन टूल को सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद माउस पॉइंटर को लेके जाएंगे ड्राइंग एरिया में। द पॉइंटर चेंजेस टू ए पेंट ब्रश, उसके बाद आपकी जो पेन टूल है वो ब्रश की तरह चेंज हो जाएगा। होल्ड द लेफ्ट माउस बटन डाउन एंड ड्रॉ ए सर्कल, उसके बाद लेफ्ट माउस बटन को हम दबा के उसके बाद हम ड्रॉ कर सकते हैं। नाउ ड्रॉ द पेटल्स, ये जो पंखड़ियाँ ये आपकी ये पेटल्स इसको बोलते हैं, उसके बाद हम ये ड्रॉ कर सकते हैं। सर्कल बनाएंगे, उसके बाद हम एक एक पेटल बनाएंगे। टॉक्स पेंट हैज ए ड्रॉइंग मस्कट व्हिच डिस्प्लेज ए हिंट और एन इंस्ट्रक्शन फॉर यू इन द हेल्प एरिया, आपको इंस्ट्रक्शन दिया गया है हेल्प एरिया में किस तरीके से आपको ड्रॉइंग करना होता है। द टेक्स्ट टूल, टेक्स्ट टूल की हेल्प से हम क्या करते हैं इसके बारे में पढ़ेंगे। जस्ट लाइक एमएस पेंट, टॉक्स पेंट लेट्स यू एड टेक्स्ट टू योर ड्राइंग्स यूजिंग द टेक्स्ट टूल। एमएस पेंट में हम जिस तरीके से टेक्स्ट टूल यूज करते हैं, यहाँ टॉक्स पेंट में भी उसी तरीके से यूज करते हैं। आपकी एमएस पेंट में इस तरीके से एक टेक्स्ट टूल रहता है जो कि हम इसकी हेल्प से हम टेक्स्ट लिखते हैं। अगर आपने मैंगो बनाया है, मैंगो लिखना चाहते हैं तो हम कैसे लिखेंगे, ये जो मैंने बनाया है इस टूल की हेल्प से हम वहाँ मैंगो लिख सकते हैं। तो टॉक्स पेन में भी ऐसे टेक्स्ट टूल से ही टेक्स्ट लिख सकते हैं। टॉक्स पेन ऑटोमेटिकली एडजस्ट्स द टेक्स्ट बॉक्स अकॉर्डिंग टू द टेक्स्ट यू टाइप इन इट, जैसे जैसे आप लिखते जाएंगे वैसे ही वो बॉक्स बड़ा होता जाएगा। हम जब टेक्स्ट टूल क्लिक करते हैं तो हमारे सामने ड्राइंग एरिया में एक बॉक्स दिखाई देता है, इस तरीके से बॉक्स दिखाई देता है और इसमें कर्सर रहता है जो टाइप करने के लिए हेल्प करता है। तो हम टाइप करते जाएंगे और ज़्यादा हमें चाहिए तो ये अपने आप में ही ये जो बॉक्स है ये बड़ा होता जाता है। नेक्स्ट, हम टेक्स्ट टूल किस तरीके से यूज करते हैं और कैसे होता है टॉक्स पेन में, इसके बारे में अब स्टेप पढ़ेंगे। टू यूज द टेक्स्ट टूल फॉलो दिस स्टेप्स, सिलेक्ट द ए बी सी टेक्स्ट टूल एंड ब्रिंग द पॉइंटर टू द ड्रॉइंग एरिया, द पॉइंटर चेंजेस इनटू ए कर्सर। हम सिलेक्ट करेंगे पहले टेक्स्ट टूल को, ए बी सी टेक्स्ट टूल, ये देख रहे हैं एरो लगी है, ये होता है टेक्स्ट टूल। उसके बाद हम इसको करने के बाद हमारी जो कर्सर है वो चेंज हो जाता है। चूज फ्रॉम द वेरियस टेक्स्ट फॉन्ट्स फ्रॉम सब टूल बॉक्स, आपकी यहाँ फॉन्ट आपको सिलेक्ट करना है, आपको किस तरीके से फॉन्ट चाहिए, बड़ा छोटा किस डिजाइन से, यहाँ आपको सिलेक्ट करना है। क्लिक इन द ड्राइंग एरिया एंड टाइप द डिजायर्ड टेक्स्ट, उसके बाद आप ड्राइंग एरिया पे आएंगे, क्लिक करेंगे, उसके बाद आपको जो लिखना है, जो आपको ज़रूरत है जो टेक्स्ट उसको आपको टाइप करना है। प्रेस एंटर की टू मेक द बॉर्डर ऑफ द टेक्स्ट बॉक्स डिसअपीयर, उसके बाद आप आपका जब टाइपिंग कंप्लीट हो जाता है तो आप एंटर दबाएंगे तो आपके जो चारों तरफ एक बॉक्स से बनी होगी वो आपकी वो डिसअपीयर हो जाएगा, वो चला जाएगा, वो दिखेगा नहीं। फिर नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे स्टाम्प टूल, किस तरीके से हम स्टाम्प टूल यूज करते हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे। थैंक यू।